अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर जैनब तारिक है और मैं डेंटल स्क्वायर में एज अ डेंटल सर्जन काम करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि स्मॉग का हमारे मुंह पे, दांतों पे, ओरल कैविटी में क्या असर होता है। सबसे पहला ये है कि स्मॉग के अंदर क्लोरीन मौजूद होता है जिससे हमारे दांतों की डिस्कलरेशन होती है, दांतों में कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं, दांत की ऊपर वाली सरफेस इनेमल इरोड होके चिप ऑफ होना शुरू हो जाती है और डिफरेंट मुख्तलिफ डिजीजेस हमारे मुंह में पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि जिंजिवाइटिस यानी कि गम डिजीज या फिर ओरल कैंसर। दूसरी ये चीज कि हमारे मुंह में सलाइवा कम होना शुरू हो जाता है, जिससे थूक कम होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से ड्राई माउथ जैसी कंडीशन पैदा होती है और उस वजह से हमारे मुंह में स्मेल भी होना शुरू हो जाती है और डिफरेंट तरह की इन्फेक्शंस भी माउथ में क्रिएट होते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए आपको कुछ ये हिदायत हैं जो फॉलो करनी है। पहले तो आपको दिन में 2 दफा ब्रश करना है ताकि आप टार्टर रिमूव कर सकें। माउथ वॉश का इस्तेमाल करना है। रेगुलर बेसिस पे अपने गम्स की मसाज करनी है। बाहर निकलने से पहले मास्क का इस्तेमाल करना है। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। और लास्टली ये कि आपको अपने डेंटिस्ट को हर 6 मंथ्स के बाद विजिट करना चाहिए। थैंक यू।